बनाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में बैठक करने के बाद चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सचिव रजनीश दुबे ने मेडिकल कॉलेज में बने 100 बेड वाले अस्पताल का भी निरीक्षण किया और साथ में प्राइवेट वार्ड बनाने के लिए जगह की भी पड़ताल की, जिससे कि मध्यम वर्ग के लोगों का भी इलाज सुविधाजनक तरीके से किया जा सके। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस निरीक्षण में उनके साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिला प्रवेशन अधिकारी सरजीत सिंह सहित स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अन्य लोग मौजूद। बहुत कमजोर है, क्या दूध नहीं पी रहा है? फिर कमजोर क्यों है? डायरिया वगैरह है क्या? अच्छा, वो जो एक शिफ्ट भी करना होता था वो अभी हम यहाँ कर दिया। ये तो बहुत शुभ काम है। दूसरा क्या करिए? नहीं, हम पॉइंट शुरू अभी राउंड करना शुरू करते हैं। ये बीच में क्या है दोनों? अच्छा है, इसको बहुत बढ़िया स्थल है। उधर वाला जो है एरिया वो सामने का ग्रीन बेल्ट हो जाएगा, उधर कहीं से एंट्रेंस हो जाएगा, ऐसे इधर फेस कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये इसकी बैक साइड है, ये वॉल छोड़ के ये बैक साइड हो जाएगी। वॉल भी थोड़ा पीछे की वॉल भी वहाँ से 10 फीट छोड़ दीजिए, 10 से ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। नहीं, वहाँ पे आगे सामने बहुत जगह है, सामने जगह थी, यहाँ वॉल भी छोड़ने जरूरत है, उसकी बाउंड्री वॉल वहाँ से सीधे करके यहाँ से यहाँ तक स्पेस अवेलेबल है। इधर ग्रीन बेल्ट और इधर से आखिर आप लोग रुके रहिए, अभी और है दो। ये पीपल है, पीपल। डीजी साहब क्या लगती है? इधर सर सेमल है, रबर प्लांट। ये क्या है? ये और इसको थोड़ा दबा देना कसके। निरीक्षण के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सचिव रजनीश दुबे ने बताया, पर्यावरण का संरक्षण और वृक्षारोपण माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से है, उसी के तहत यहाँ पर आज वृक्षारोपण किया गया है। और बस्ती मेडिकल कॉलेज का भी कल मैंने मुआयना किया था, वहाँ पर भी 1000 पेड़ इस वर्षा काल में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट वार्ड जो है बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका है और उसके जीर्णोद्धार में काफ़ी पैसे लगेंगे, उसके बाद भी बिल्डिंग की स्थिति दुरुस्त पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, लिहाजा इसमें एक नई जगह भी आज चयनित की गई है जहाँ पर प्राइवेट वार्ड बनाया जा सके, जिससे जो मिडिल क्लास के लोग हैं अगर उन्हें यहाँ पर भर्ती होना है तो उनके लिए सुविधाएँ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी सभागार में एडीएम वित्त